नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं वास्तु का सच सिर्फ इस शोतक पर। जी हां, और आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही खास, जी हां बहुत ही विशेष टॉपिक जो आपके जीवन को बदल देगा। वास्तु का ऐसा सच है ये, और आज का हमारा विशेष टॉपिक है इस जगह कांच लगाएं और झटपट अमीर बन जाए। जी हां, मान सकते हैं आप कि सिर्फ कांच लगाने से, मिरर लगाने से, आईना लगाने से आप झटपट अमीर बन सकते हैं। जी हां, वास्तुशास्त्र कुछ ऐसे बदलाव ला सकता है आपके जीवन में जो आपके जीवन को भी समृद्ध कर सकता है, आपके जीवन में भी लग्जरीज ला सकता है, आपके जीवन में भी सौभाग्य की सरिता बहा सकता है। विशेष आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, वास्तु के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, वास्तु के कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसे अपनाकर आप भी अपने धन को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी ऑफिस को बहुत अच्छा और पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही वास्तु के सिद्धांत और साथ साथ ऐसे वास्तु टिप्स जो आजमाकर आप धनवान बन सकते हैं। वास्तु, अगर एथिक्स की हम बात करें, वास्तु सॉल्यूशंस की बात करें, तो आपके लिए काफी फलदायी होते हैं। और कुछ ऐसे वास्तु टिप्स भी हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। देखिए, अपना जो पर्स है, अपना जो अपनी जो तिजोरी है जहां पर रोजाना अपनी आमदनी को रखते हैं, वो लोग जो बिजनेस में हैं, जो डेली कमाते हैं, वो लोग जो ज्यादातर कैश में डील करते हैं, उन्हें अपनी तिजोरी में, जी हाँ अपनी तिजोरी में एक मिरर लगाना चाहिए, यानी कि एक आईना लगाना चाहिए तिजोरी के अंदर। ऐसा करने पर आपके रुपए और धन में लगातार बढ़ोतरी होगी। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि आपका जो धन है ना, वो प्रतिबिंब दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिससे आपका धन जो है बढ़ोतरी की तरफ होगा। इसका टिप मैं आपको लास्ट में दूंगा और बताऊंगा ये कैसे रखना है आपको। आइए जानते हैं ये कैसे बढ़ सकता है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने टेबल या ऊपर की छत में एक डायमंड क्रिस्टल लगाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप क्लाइंटल को खींचना चाहते हैं, अगर आप कोई शॉपकीपर हैं और आपके दुकान पर क्लाइंट आते रहते हैं, तो ठीक आपके सर के ऊपर आप एक डायमंड क्रिस्टल लगाइए। ये डायमंड का नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है, और इसे कहते हैं हिमालयन नेचुरल रॉक क्रिस्टल, यानी कि हिमालय पर्वत का जो क्रिस्टल होता है, स्फटिक नहीं, स्फटिक बेसिकली कांच मिला हुआ मिक्सचर है। मैं बात कर रहा हूँ प्योर नेचुरल हिमालयन रॉक क्रिस्टल की। अगर उसकी बॉल, ऑक्टागनल बॉल, अगर आप अपने दुकान पर अपने ठीक सर के ऊपर लगाते हैं और साथ बसाथ के अंदर अपना जो दुकान का गल्ला है या अपने दुकान की जो तिजोरी है उसके अंदर एक कांच फिट कर देते हैं, आईने वाला, तो बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो ऐसा करने पर आपके ऊपर एक तो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके अलावा आपके फैसले लेने में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके आकर्षण में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ बसाथ के अंदर जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है आपका, वो आपसे खिंचावा आता है। कुछ ऐसे चित्र भी साथ साथ लगाएं। देखिए, अपने बैठने की जगह जहां पर है उसके ठीक पीछे आप एक सुंदर सी लक्ष्मी का पिक्चर लगाएं या कोई भी पायस पिक्चर लगाएं, उससे आपके धन में आगमन बढ़ेगा। लक्ष्मी ही क्यों, उसका कारण सुनिए। उसका कारण यह है कि लक्ष्मी ही दक्षता है,
लक्ष्मी ही दक्षिणा है। दक्षिणा का मतलब क्या होता है? दक्षिणा का मतलब है आपकी दक्षता का प्रारूप, यानी कि आप जो भी कमा रहे हैं उसकी जो वैल्यू है उसका कारण लक्ष्मी है। तो सबसे बड़ी बात, एक कांच लगाइए अपने दुकान में, अपने बिजनेस सेंटर में, साउथ डायरेक्शन में, और तिजोरी के अंदर लगाइए, और तिजोरी को अंदर से बाहर से या जो भी आपकी सेफ है, जो आपका गल्ला है, उसको लाल रंग का करवा दीजिए, और उस पर चारों तरफ से अंदर कांच लगवाइए, मिरर को देखने वाला कांच। और जैसे ही वो कांच लगाते हैं उसमें आप पैसे रोज डालते जाइए। ठीक अपने पीठ के पीछे उस तिजोरी को या गल्ले को रखिए, सामने मत रखिए। लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, गल्ला जो होता है काउंटर शेल्फ में बना लेते हैं, वहाँ पर पैसा टिकेगा ही नहीं, पैसा टिकेगा दक्षिण दिशा में। तो उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैक साइड में अपने तिजोरी रखिए, और तिजोरी लाल रंग की कराइए, उसके अंदर चारों तरफ से अंदर से आप एक मिरर लगवाइए, चार अलग अलग मिरर, साथ ब साथ के अंदर ठीक तिजोरी के ऊपर आप एक लक्ष्मी का पिक्चर लगाइए, या एक पारद लक्ष्मी छोटी सी, लगभग लगभग 2.25 इंच से छोटी, आप 40 ग्राम की 50 ग्राम की जो पारे की होती है प्योर नेचुरल, वो अपने तिजोरी के अंदर रखिए, और नित्य प्रति उसका धूप दीप कीजिए, तो आप बहुत झटपट धनवान बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के लिए, टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें श्रोताओं और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ पैदा हो। तब तक के लिए नमस्कार।